एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 26 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ सिस्टम इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ए बी सी शोन इन फिगर, 80 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय इट। इफ द सिस्टम डज 10 जूल ऑफ वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ए डी सी, हाउ मच हीट फ्लोड इनटू इट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, तो अपने पास ग्राफ गिवन है, पीवी ग्राफ गिवन है, वीपी ग्राफ गिवन है, और अगर ए बी सी प्रोसेस के थ्रू अपन जाते हैं तो हीट सप्लाई कितना करना पड़ता है 80 जूल और वर्क डन 30 जूल होता है। अगर ए डी सी के अंदर जाते हैं तो हीट सप्लाई कितना होगा वो फाइंड करना है और वर्क डन अपने को दे रखा है 10 जूल। तो देखो, अगर मैं यहाँ से ए बी सी प्रोसेस की बात करूँ ए टू सी थ्रू बी, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो हीट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, राइट। तो यहाँ पे हीट सप्लाई अपना 80 है और इंटरनल एनर्जी नहीं पता और वर्क डन कितना है 30 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा 50, यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 50 जूल आया, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस चेंज इन फाइनल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना है 50 जूल है। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर आप ए बी टू सी जाओ तो भी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस यही रहेगा, और ए डी सी जाओ तो भी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस यही रहेगा, या फिर डायरेक्ट ए टू सी जाओ तो भी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस तो यही रहेगा। मतलब आप इंटरनल एनर्जी सी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बोलोगे तो 50 ही आएगा, चाहे किसी भी पाथ के थ्रू जाओ। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं पाथ अपना ए डी सी। तो ए डी सी पाथ देखते हैं तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इंटरनल एनर्जी तो सी माइनस ए लिखना है ना, और जो कि सेम ही रहेगा किसी भी पाथ के लिए, तो इंटरनल एनर्जी अपना आएगा 50 और वर्क डन कितना है 10, तो आपका हीट सप्लाइड कितना आ जाएगा 60 जूल।